एक दिन एक लड़की ने न्यूज़पेपर में एक फोटो देखा। उस फोटो में कुछ गरीब लोगों के चेहरे और घर थे। वो लड़की रहने वाली थी केरल की और वो फोटो था बिहार के मुसहर लोगों का। ये दलितों में भी महादलित हैं। उस तस्वीर ने इस लड़की को इतना ज्यादा भावुक कर दिया कि मात्र 16 साल की उम्र में ये लड़की केरल से बिहार पहुंच गई। उस लड़की का नाम था सुधा वर्गीस। सुधा वर्गीस पिछले 58 सालों से मुसहर लोगों के लिए काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि मेरे सारे प्रयास, मेरे सारे संसाधन, मेरा सारा समय, मेरा सारा प्यार, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब उन गरीब लोगों के लिए जाएगा जो जरूरतमंद हैं। 1987 में इन्होंने नारी गुंजन नाम से एक संस्था की स्थापना की जहां से हजारों बच्चियां पढ़ चुकी हैं। सुधा इन्हें योग, ड्राइंग, पेंटिंग और सिंगिंग भी सिखाती हैं। उनका लक्ष्य है ऐसी महिलाओं को तैयार करना जो जिंदगी की किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। उन्होंने लड़कियों को कराटे सिखाना भी शुरू किया। उनमें से कुछ लड़कियां जापान की विश्व कराटे चैंपियनशिप में भी भाग ले चुकी हैं। वर्गीस कहती हैं कि वे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से प्रेरणा लेती हैं। सुधा वर्गीस की इस कहानी को सभी तक पहुंचाएं।